इसराइल हमास युद्ध छेड़ने के बाद से ही उत्तरी फ्रंट पर इजरायली सेना और लेबनान के हिजबुल्ला के बीच टकराव और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। हिजबुल्ला एक के बाद एक बड़े हमले करके इजरायली सेना को झटके दे रहा है और इस सब के बीच एक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये टकराव पूर्ण युद्ध का रूप न ले ले। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्ला ने एक 9 मिनट का वीडियो जारी करके इजरायल में हड़कंप मचा दिया है, जिससे इजरायली सेना की मुस्तैदी और सतर्कता पर बट्टा लग गया है। दरअसल हिजबुल्ला ने अपना एक जासूसी ड्रोन इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीन के ऊपर भेजा था। ये ड्रोन काफी देर तक इस इलाके में उड़ान भरता रहा और इसने करीब 9 मिनट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। ये ड्रोन किरियत शमोना, नहारिया, सफाद, कर्मेल, अफूला और हाइफा बंदरगाह तक बगैर IDF की नजर में आए उड़ान भरता रहा और इस जासूसी ड्रोन ने IDF की कई संवेदनशील जगहों का वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड कर लिया। बड़ी बात यह है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और ये अपना मिशन पूरा करके वापस लेबनान के भीतर लौट आया। हिजबुल्ला ने इस मिशन को होपोए मिशन का नाम दिया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इसराइल की कई संवेदनशील जगहों की जानकारी जुटा ली है, जिसमें इसराइल की रफेल एडवांस डिफेंस कंपनी भी है, जो IDF के लिए हथियार बनाने का काम करती है। IDF के इस ड्रोन ने राफेल की कई फैक्ट्रियों, माल गोदामों और टेस्टिंग फील्ड का वीडियो रिकॉर्ड किया है, जहां पर आयरन डोम और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर और असेंबल किया जाता है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके ड्रोन ने इन दोनों एयर डिफेंस के रॉकेट इंजन टेस्ट टनल और स्टोरेज, एयर डिफेंस मिसाइल स्टोरेज, मिसाइल उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियों, कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम फैक्ट्रियों की जानकारी जुटा ली है। आपको बता दें कि इस होपोए मिशन को पूरा करने के बाद हिजबुल्ला का कहना है कि अब उसके पास कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायल के कई अहम टारगेट्स की जानकारी इकट्ठा हो गई है, जिससे वो उनके ऊपर भीषण हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस ऑपरेशन से इसराइल में हड़कंप मचा हुआ है और इस ऑपरेशन को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि लेबनान का ड्रोन जिस तरह से इसराइल में घुसाया और वो 9 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर अहम ठिकानों की जानकारी जुटाकर वापस लेबनान चला गया, ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा फेलियर है। इसराइली मीडिया का कहना है कि अब एयरफोर्स को ये सूझ नहीं रहा है कि वो इस ऑपरेशन से उठे उन तमाम गंभीर सवालों का जवाब कैसे दें, जिससे IDF की बहुत बड़ी नाकामी उजागर हुई है। इसराइली मीडिया का कहना है कि एयरफोर्स को ये खुद पता नहीं है कि हाइफा बंदरगाह पर, जहां इसराइल ने अपने सबसे महंगे संसाधन तैनात किए हैं, वहां पर ये ड्रोन कैसे पहुंचा। इसको लेकर इसराइल के चैनल 12 न्यूज चैनल का कहना है कि हिजबुल्ला ने हमें 2 दिनों तक सोने दिया और उसने पूरे हाइफा में हमारे सभी रणनीतिक जगहों का वीडियो बना लिया। वहीं कुछ मीडिया हाउस का ये भी कहना है कि इस वीडियो के जरिए हिजबुल्ला इसराइल को अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि वो हवा, जमीन, समुद्र के जरिए इसराइल के भीतर मौजूद है और भविष्य में हमले की योजना बना रहा है। हिजबुल्ला इसराइल को बहुत बड़ा झटका देने में सक्षम है। वहीं इजरायली पत्रकार और अरब मामलों के जानकार जैकी ह्यूगी का कहना है कि हिजबुल्ला के इस वीडियो का मकसद इजरायल को अपना संदेश भेजना है कि अगर उसने लेबनान में अपने हमले कम नहीं किए तो वो अपनी और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करेगा और पूरा हाइफा उसके हमलों की जद में आ सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वीडियो के जरिए हिजबुल्ला इसराइल को ये दिखाना चाहता है कि वो अब इसराइल के आसमान में बेरोकटोक घुस सकता है।